नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो ना सिर्फ आपको कोरोना से बचाएगी बल्कि आपको बाकी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाएगी और इस समय आपको हाइड्रेटिंग भी रखेगी। तो गाइज, ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको कॉमन बेल बोलते हैं या एप्पल वुड फ्रूट भी बोलते हैं। काफ़ी हार्ड होता है, तो पहले आप इसे स्लैब के भी बजाय, मैंने इसे नीचे फर्श पे तोड़ लिया था, क्लीन से सरफेस पे देखकर तोड़ ले। और ये देखो, अंदर से बिल्कुल राइप्ड है। तो इसका पल, वैसे जो कच्चा होता है बेल वो थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में, बट ये राइप्ड है। मैं तो इसका पल्प भी ऐसे ही खा लेती हूँ। और ये देखो, अच्छे से बिल्कुल राइप्ड हो गया है। और मैं इसे जैसे यूनिवर्सिटी फार्म से लाई थी तो थोड़ा सा कच्चा था, बट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। आपको पता ही होगा गाइस, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होता रहता है, तो वो फिर फ्रिज में भी ये पक गया है अच्छे से। तो मैं इसका पल्प निकाल रही हूँ। टिल देन, तो गाइस, जो बेल है इसकी, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें प्रोटीन से लेके बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी, थायमिन वगैरह होते हैं, जो कि हमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये हमें डायरिया से भी बचाता है, जो भी डायरिया के लिए कोलेरा वगैरह जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनसे फाइट करके। और गाइस, तो इस समर आप ज़रूर इस बेल फ्रूट जूस पे स्विच करें बजाय आप जो हार्मफुल सोडा ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो ये आपको, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके एक्नेस को रिमूव करता है, फोरहेड के रिंकल्स को कम करेगा, हेयर ग्रेइंग को कम करेगा। तो ये देखो, मैंने पल्प निकाल के रख लिया है, वो एक एयर टाइट बॉक्स में मैं रख दूंगी। ये मेरा मतलब 3-4 दिन आराम से चल जाएगा। तो ये जूस बनाने के लिए मैंने एक उसमें वाटर ले लिया है और वाटर में मैं इसको पल्प को डिसॉल्व कर रही हूँ। तो गाइज, इसमें सीड्स भी होते हैं और ये इतना राइप्ड है कि इजीली हैंड से मिल जाएगा। लेकिन एक ध्यान जरूर रखिए कि अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके तभी इस जूस को बनाएं। आप ब्लेंडर या मिक्सी में बनाएंगे तो जो इसमें सीड्स होते हैं वो भी साथ में ऐसे पिस जाएंगे और जो इसका कड़वा है तो आपका ये बिटर होगा टेस्ट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इसे हैंड से ही करें अगर ये राइप्ड है अच्छे से। देखो गाइज, मैं पूरा अच्छे से पल्प ले रही हूँ जिससे कि इसमें नेचुरल मीठ है, मुझे कुछ आर्टिफिशियल इसमें स्वीटनर ना ऐड करना पड़े ताकि इसका नेचुरल मैं ले इसको। तो काफ़ी देखो, ये गाढ़ा सा और अच्छा सा बन गया है। और गाइज, ये आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है और आपकी जो क्रेविंग है स्वीट की उसको भी दूर रखेगा। तो आपकी जो एक्स्ट्रा फैट या इंक्रीज होगी उससे भी आपको आपके वेट लूज करने में भी हेल्प करेगा। बाकी जो आपके स्किन इन्फेक्शंस, इनफेक्ट ये आपको फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो ये गाइस देखो, मैंने मिक्स करके अच्छे से इसको स्ट्रेनर की हेल्प से मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े एक्स्ट्रा वो कड़वे होते हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। नीचे आपका देखो, नेचुरली ये इतना मतलब थिक सा बन गया। मैंने प्रॉपर अमाउंट ली थी इसकी पल्प की, और इसमें जूस में हमें एक्स्ट्रा मतलब स्वीट आपको ऐड करने, अगर आपका मतलब अगर आपका जो फ्रूट है अगर आपको लगे कि उसमें थोड़ा कम है तो आप मिला भी सकते हैं, बट शुगर ना ऐड करें। उस आप एक हेल्दी ऑप्शन ले स्वीट का भी, देसी खांड या फिर जैगरी पाउडर इसमें हल्का सा मिला सकते हैं। वैसे इसका टैंगी सा ही टेस्ट होता है, तो ये आपको अच्छा लगेगा टेस्ट में। एक दो बार नहीं भी लगेगा तो गाइस टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब ये देखो, बस इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। मैं तो वैसे सिर्फ इसमें क्या ऐड करती हूँ, ये थोड़ा मैंने जीरा भूनकर जीरा पाउडर बनाया हुआ है रोस्टेड, तो ये रोस्ट क्यूमिन पाउडर है। और इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, जो हमारे डाइजेस्टिबिलिटी में भी हेल्प करेगा। तो गाइस, कुछ नहीं आपने ऐड करना है, सिर्फ ये जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। और ये देखो मेरा जूस, एक हेल्दी ड्रिंक जो कि आपको इन्फेक्शन से बचाएगी। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इवन, जो कि आपको कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस करती है। तो गाइस, इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप ज़रूर पिए और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। गाइस, मेरा यही पर्पस होता है कि मैं आपको हेल्थ बेनिफिट्स, जो भी हमारे इंडियन फूड्स हैं उनके जो हेल्थ बेनिफिट हैं उनसे आपको अवगत कराऊं, ताकि आप अवेयर हों अपनी हेल्थ के लिए और उसका ध्यान रखें। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें।